वेलकम बैक। ये हाउस प्लान होगा 18 फीट बाय 48 फीट का, जो कि टोटल 864 स्क्वायर फीट का होगा। इसका हम आउटर वॉल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। प्लॉट साइज की विड्थ कम और लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 48 फीट है, तो उसी के हिसाब से इसमें 2 बेडरूम या 1 मास्टर बेडरूम, 1 मेन बेडरूम बनाया गया है। तो हम पहले इसका ये आउटर वॉल मास्टर बेडरूम विथ अटैच लेट बाथ का हो जाएगा। विंडो आप अपने नेबर ओपनिंग स्पेस के हिसाब से रख सकते हैं। ये एक आइडिया है हाउस प्लान का, आप इसे चाहे तो मॉडिफाइड भी कर सकते हैं अपने नीड और अपने प्लॉट साइज के और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये वाला पार्ट स्टेयर होगा और यहाँ पे एक किचन प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक कॉमन लेट बाथ होगा, जो कि गेस्ट के लिए होगा। तो कंप्लीट हाउस प्लान हम देखेंगे और लास्ट में देखेंगे इस हाउस प्लान में कितना पिलर यूज होगा और इस हाउस प्लान के कंस्ट्रक्शन में कितना कॉस्ट आएगा, सारा कुछ लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले ये और ये हमारा हाउस प्लान का आउटर वॉल हो जाएगा। विंडो आप अपने नेबर ओपनिंग स्पेस के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो हम विंडो के लिए येलो मार्क कर देते हैं। आप कंप्लीट हाउस वास्तु के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें मेन डोर हमारा साउथ फेसिंग ओपन होगा और किचन नॉर्थ ईस्ट में प्रोवाइड किया गया है, कंप्लीट वास्तु के हिसाब से है। अब हम इसका मेन डोर देखते हैं। हमारा मेन डोर हो जाएगा जो कि 6 फीट रखा गया है। मेन डोर के जस्ट बाद हमारा पार्किंग एरिया और स्टेयर एरिया आ जाएगा। इसमें एक स्टेयर प्रोवाइड किया गया है। स्टेयर के नीचे वाले पार्ट को आप एज अ स्टोरेज यूज कर सकते हैं। पार्किंग की डायमेंशन की बात करें तो ये 7 फीट 0 इंच बाय 17 फीट 4 इंच रखा गया है। काफ़ी लार्ज स्पेस हो जाता है, इसमें आप 2-3 बाइक इजीली स्टैंड कर सकते हैं। स्टेयर की विड्थ यहाँ पे 3 फीट रखी गई है और इसके नीचे वाला स्पेस 7 फीट बाय 3 फीट का आप बच जाता है, जिसको आप एज स्टोरेज यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा पासेज गैलरी हो जाएगा, जो कि मास्टर बेडरूम तक जाएगा, 4 फीट विड्थ होगी। हमारा ये लिविंग एरिया हो जाएगा। लिविंग रूम आप 10 फीट बाय 13 फीट रख सकते हैं और लिविंग रूम के साथ जस्ट अटैच एक किचन प्रोवाइड किया गया है। किचन काफ़ी लार्ज स्पेस में होगा, जिसकी डायमेंशन 7 फीट बाय 12 फीट रखी गई है और एक वॉशरूम एरिया भी होगा जो कि इससे कनेक्टेड होगा। हमारा लार्ज विंडो हो जाएगा जो कि आउटर ओपन होगा और ये हमारा वॉशरूम एरिया हो जाएगा। वॉशरूम एरिया को आप एज अ मॉडिफिकेशन पे स्टोर रूम भी यूज कर सकते हैं। ये OTS हो जाएगा, जो कि वॉशरूम से कनेक्टेड होगा। उसके बाद हमारा ये कॉमन लेट बाथ होगा, जो कि गेस्ट के लिए और बेडरूम सेकंड वाले के लिए हो जाएगा। इसकी डायमेंशन 5 फीट 8 इंच बाय 4 फीट रखा गया है, काफ़ी लार्ज स्पेस हो जाता है। ये गेस्ट के लिए भी यूज हो जाएगा और बेडरूम वाले के लिए भी। अब हम बेडरूम फर्स्ट की बात करें तो ये काफ़ी लार्ज हो जाएगा, जो कि एक लार्ज विंडो से कनेक्टेड होगा। विंडो आप अपने नेबर ओपनिंग स्पेस के हिसाब से रख सकते हैं। बेडरूम की डायमेंशन की बात करें तो ये 13 फीट बाय 10 फीट रखा गया है। ये 4 फीट का गैलरी हो जाएगा, जो कि मास्टर बेडरूम तक होगा। ये हमारा मास्टर बेडरूम हो जाएगा, जो कि अटैच लेट बाथ से कनेक्टेड होगा। इसकी डायमेंशन 13 फीट बाय 12 फीट हो जाएगी और इस साइड आप एक लार्ज विंडो ओपन कर सकते हैं, ताकि प्रॉपर सनलाइट आ सके। इसमें सारा विंडो वेस्ट ईस्ट दिया गया है, ताकि प्रॉपर सनलाइट और एयर आ सके। ये हमारा अटैच लेट बाथ होगा, जिसकी डायमेंशन 4 फीट बाय 6 फीट होगी और ये ड्रेसिंग एरिया आप यूज कर सकते हैं एज अ। इसमें आप वेंटिलेशन के लिए एक स्पेस छोड़ सकते हैं और एक OTS कनेक्टेड होगा। ये स्पेस पैसेज या फिर गैलरी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये 4 फीट तक मेन डोर से मास्टर डोर तक ओपन होगा, जिसकी डायमेंशन 4 फीट बाय 14 फीट 8 इंच हो जाएगी, जो कि लिविंग रूम से कनेक्टेड होगा और बेडरूम फर्स्ट के लिए और मास्टर बेडरूम के लिए डोर प्रोवाइड करेगा। ये हमारा मास्टर बेडरूम का डोर हो जाएगा और ये एक बेडरूम का डोर हो जाएगा। कंप्लीट हाउस प्लान वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। इसके हम ओवरऑल लेंथ की बात करें तो इस साइड से 18 फीट हो जाएगी और इसकी इस साइड से लेंथ 48 फीट हो जाएगी। इसमें हाउस प्लान में कंप्लीट
फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया गया है एक आइडियल हाउस प्लान में जो जो रिक्वायरमेंट होता है। इसके आउटर वॉल की बात करें तो आप 5 इंच रख सकते हैं और पार्टीशन वॉल भी। इसमें अब हम नंबर ऑफ़ पिलर्स काउंट कर लेते हैं, इस हाउस प्लान में कितना नंबर ऑफ़ पिलर यूज होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसमें आप टोटल 15 पिलर यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे मॉडिफाइड करते हैं तो ये नंबर घटिया बढ़ भी सकता है, बट मिनिमम इसमें आप 15 पिलर डाल सकते हैं जिसकी डायमेंशन 10 इंच बाय 10 इंच होगी, G+2 फ्लोर तक के लिए। अब इसके हम कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग की बात करें तो इसमें टोटल अप्रॉक्स 11 लाख खर्च हो जाएगा हाउस प्लान को बनाने में। तो ये आज का हाउस प्लान 18 फीट बाय 48 फीट का रहा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।